Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Wins Tarot Hindi Urdu और ये है आपके लिए friends नई reading. आपके person क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी life में. Yes friends, काफ़ी सारे लोग ये reading request कर रहे थे, आ गई. channel को ज़रूर subscribe कर लो, like कर लो, share कर लो, Instagram पे join कर लो. personal readings buy करने के लिए please visit our website. also friends, ये एक timeless reading है, आप इसे कभी भी देख सकते हो. आपकी situation के साथ help करेगी और resonate भी. also जनरल है फ्रेंड्स, मे और मे नॉट ऑल्सो रेजोनेट. सो फ्रेंड्स, अगर आप 2024 की ईयरली रीडिंग बाय करना चाह रहे हो या नेक्स्ट सिक्स मंथ्स की रीडिंग बाय करना चाह रहे हो, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट. बुकिंग्स वेबसाइट से हैं टू बाय अ रीडिंग. ऑल्सो आप कोई और रीडिंग भी बुक कराना चाह रहे हो तो वो भी वहीं से होगी. एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, चार्म्स रीडिंग काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कर दी है फ्रेंड्स मैजिक वेंस टैरो साइट के चैनल के ऊपर. लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लो आप. और अभी तो यही अपडेट है. एंड काफ़ी इंटेंस चल रहा है महीना. आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंटेंस एनर्जी. सो आई होप आप लोग सब सेफ हो, स्वस्थ हो और ज़्यादा आक्रामक ना हो. एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है फ्रेंड्स, सो इसीलिए ज़रूरत है कि हम लोग शांत रहें, संयम बनाए रखें. सो चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या वो संयम बना रहे हैं या खो रहे हैं. देखते हैं क्या हो रहा है उनकी लाइफ में. सो लेट्स सी द थीम, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर व्यूअर्स पर्सन्स लाइफ, क्या थीम है करंटली. ओके, ओ वाओ, सेवन ऑफ एस ऑफ वंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो पेशेंस, आई फील ये कनेक्शन, आपके पर्सन आपको वेट करा रहे हैं फ्रेंड्स. ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये स्लोली स्लोली बिल्ड अप हो रहा है, वन स्टेप एट अ टाइम बिल्ड अप हो रहा है. आई ऑल्सो फील हो सकता है यू नो आपके पर्सन ने एक्चुअली आपसे ये कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए या मुझे थोड़ा टाइम दे दो. सो बिकॉज आई फील लाइक पेशेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, गिव मी सम टाइम, वी नीड मोर टाइम. दिस रिले हो सकता है आपने ब्रेकअप वगैरह कराओ तो आपके पर्सन कह रहे हैं यार थोड़ा और वक्त दे दो, लेट्स डिसाइड वन मोर टाइम कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एस ऑफ वंड्स, वेरी पैशनेट. आई फील योर पर्सन आपको लेके काफ़ी पैशनेट है फ्रेंड्स. आई ऑल्सो फील अगर ये न्यू कनेक्शन है तो डेफिनेटली आग दोनों तरफ बराबर लगी. इनफैक्ट आपके पर्सन को ऐसा, अगर आप यू नो अगर आपके पर्सन आपको वेट करा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू. आई ऑल्सो फील कि वो एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं इन द फ्यूचर, बट हो सकता है आपसे अभी कह रहे हैं थोड़ा सा वक्त संयम रखो, वक्त है अभी चीज़ों को यू नो फना होने में. फाइव ऑफ वॉन्स, या डेफिनेटली फील आपके पर्सन थोड़े से जो है डबल माइंड्स में है. ऑल्सो ये पर्सन अपोजिट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके बिल्कुल विरुद्ध नेचर के हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आपके पर्सन की लाइफ में एक चीज़ ज़रूर हो रही है अभी कि वो दो पहियों पर चलना चाह रहे हैं, दो नावों पर सवार हैं. और दो नावें क्या हैं कि एक तो ये है कि वो चाहते हैं वर्क में सक्सेस मिल जाए, उसके बाद प्यार देख लूँगा, मैं रिलेशनशिप संभाल लूँगा. एक है उनका मन करता है कि नहीं यार पहले रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वर्क है. सो समवेयर योर पर्सन इज़ अ लिटिल कंफ्यूज्ड. आई ऑल्सो फील कि एक तरफ तो वो चाहते हैं, अगर ये न्यू पर्सन है, न्यू कनेक्शन है, तो एक तरफ तो वो चाहते हैं बिल्कुल आपके साथ पैशनेट एकदम कूद पड़े इस प्यार के ज्वालामुखी में, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि थोड़े संयम बरते हैं, थोड़ा कंट्रोल करें. सो दिस पर्सन इज़ लाइक आई वॉन्ट बोथ थिंग्स, मैं कॉशन भी चाहता हूँ और मैं प्यार भी चाहता हूँ. सो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि इश्क एक आग का दरिया है, डूब के ही जाना है फ्रेंड्स, है ना. तो ऐसा ही है कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा भी मिले और सुविधा भी मिले और दर्द भी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स. सो आई फील योर पर्सन इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, ट्राइंग टू प्ले इट सेफ एज वेल एज ट्राइंग टू जम्प ऑल इन. सो और क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, दिल और दिमाग के बीच जंग भी है. यस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेशेंस, अगेन पेशेंस की एनर्जी है डेफिनेटली फ्रेंड्स. बातचीत बंद है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यू नो डेफिनेटली आपके मैसेजेस को देख के सीन करके छोड़ रहे हैं, बहुत गलत बात है. मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आपने या तो पिछले चार घंटे पहले, चार दिन पहले, चार महीने पहले जो मैसेज भेजा था, ईमेल मैसेज व्हाटएवर कॉल, देखा है उन्होंने, सोचा उसके बारे में बहुत और उसके बाद सीन करके छोड़ दिया. ये ना एक अलग तरह का दर्द होता है, अगर आपने नोटिस कराओ फ्रेंड्स, ये एक अलग तरह की दुविधा है जो मॉडर्न टाइम में आ गई है कि मैसेज पढ़ तो लिया है लेकिन
जवाब उसका दिया ही नहीं है, मतलब कुछ उसको एक्नॉलेज भी नहीं करा है कि हाँ यार चिट्ठी मिल गई। पहले अगर आपने नोटिस करा, ऐसा होता था पुराने ज़मानों में, लाइक अपने से बहुत पहले, या अगर लेटर लिखा भी जाता था और रिसीव हो जाता था तो भी एक रिवर्स लेटर आता था कि लेटर इज़ रिसीव्ड, बस इतना ही आता था। चाहे फिर उसका जवाब आ गया है, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट आता था कि हाँ रिसीव हो गया है। तो अभी कुछ अलग ही चल रहा है, सीन करके छोड़ रहे हैं। पेज ऑफ सॉज एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी हो सकते हैं आपकी पर्सन, आप लोग खुद एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी हो सकते हो। आई फील फ्रेंड्स आपकी पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ओह हो माई गॉड, दैट वॉज मर्करी रेट्रोग्रेड आने वाला है फ्रेंड्स। अभी से ही देखो आप ज़रा क्या एनर्जीज हो रही है, जस्ट वेट लुक एट इट। आई फील आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे, वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं पर ले भी नहीं रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्स, आई फील आपके पर्सन जो हैं अगर आपको कॉल वगैरह करते हैं तो वो फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ बोलेंगे बताएंगे। आई डू फील ये काफ़ी फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं आपके पर्सन, स्पेशली आपके साथ। आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, जो कार्ड जंप आउट हुआ है और टेबल से गिर गया वो है किंग ऑफ वॉन्स। सो आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं टावर, वाओ। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके पर्सन को झटके तो लग रहे हैं, अगर वो किसी और के साथ थे तो वहाँ खुश तो नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशंस को झटके लगने वाले हैं, उनकी रियलिटीज़ को झटके लगने वाले हैं। आई ऑल्सो फील हो सकता है अगर आप दोनों की बातें चल रही हैं, आप दोनों मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, आई फील ऑन एंड हॉट एंड कोल्ड चलेगी ये रिलेशनशिप फॉर नाउ, बिकॉज आई फील कि आपके पर्सन में जो है गुस्सा है और काफ़ी पैशनेट हैं आपके पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने इमोशंस को बोलते नहीं हैं, सो वहाँ से एक इम्बैलेंस आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस टावर। जस्टिस, या आई फील फ्रेंड्स कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके पर्सन किसी आपकी जगह किसी और चीज़ को चुन रहे थे, चाहे वर्क हो, करियर हो, पैसा हो, कोई थर्ड पार्टी हो, तो वहाँ से उन्हें दुविधा मिलने वाली है और उनको जस्टिस मिलेगा। आई ऑल्सो फील अगर आपके पर्सन किसी कोर्ट केस की वजह से आपसे दूर थे, या वो एक्चुअल में वकील हैं इस वजह से आपसे दूर थे, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा फ्रीडम, मतलब उनके काम से फ्रीडम मिलेगा उनको, और वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स आपके पर्सन ना कुछ इल्यूजन के अंदर हैं, कुछ एक स्वप्न लोक में जी रहे हैं, कह रहे यार हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, और आप उनको पता है एक्चुअल में उन्हें क्या करना है, आपसे बात करनी है, आपके पास आना है, लेकिन उसकी जगह वो सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका कोई एक वहम टूटने वाला है और ये काफ़ी स्ट्रांग होगा उनके साथ। पेज ऑफ रॉड्स, यस एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपके पर्सन को हो सकता है आपसे मजबूरी में बात करनी पड़ जाए आने वाले, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हो सकता है आपका, इनका तुरंत कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए आपको। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो तो आप दोनों के बीच कुछ कुछ एक आई डोंट नो हाउ टू से दिस, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन, हीटेड अप कन्वर्जेशन बन सकता है, सो बी केयरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है मतलब बातों का पहाड़ बना सकते हैं आने वाले दिन में, सो कीप दैट इन माइंड। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। आई फील डेफिनेटली ये पर्सन पीस चाहते हैं इस कनेक्शन में और चाहते हैं अपने पास्ट को ख़त्म करके आपके पास पूरी तरह आना। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ लॉस वगैरह फेस करें, हो सकता है जॉब में, फाइनेंसेस में, कोई लोन वगैरह, कोई मॉनेटरी लॉस लग सकता है, या अगर वो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को किसी तरह का छलावा या वहम है, जैसे होता है ना कि अरे यार पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, पैसा ही मतलब किसी एक धुन पे निकले हुए हैं आपके पर्सन, पैसा है तो सब कुछ है, अरे यार ये मिल गया तो अब क्या है, अपन तो कोई भी मिल जाएगा, वो वहम टूटने वाला है फ्रेंड्स इनका, एंड इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर योर पर्सन। आई ऑल्सो फील अगर आप दोनों की एंडिंग रही है कोई दर्द बुरी, मतलब ऐसे ना ब्रेकअप वगैरह, तो आपके पर्सन को सब चीज़ें याद आ रही हैं फ्रेंड्स, योर पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट इट। एंड ऑफ सॉज, या आई फील आपके पर्सन पे काम का बर्डन भी बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। 5 of Swords, या आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स आपके पर्सन को गिल्ट बहुत हैवी, अगर वो आपको छोड़ के गए, उन्होंने ब्लॉक कराया, आपको बात नहीं कर रहे हैं काम का, वो उनको पता है वो किसी चीज़ का बहाना लगा रहे हैं आपको, और उस चीज़ का गिल्ट है उनको, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड 3 of Pentacles, यस आई फील आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इन रियलिटी तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि यू नो लेट्स मेक पीस और चलिए नई शुरुआत करें, और एक्चुअल में कह नहीं रहे हैं, सो यहाँ से दुविधा हो रही है।
ये सब सोच आई फील फ्रेंड्स नेक्स्ट ये साल आपके इस कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और कुछ ना कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट वन ईयर इस कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील के नेक्स्ट 4 घंटे 4 दिन 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई बहुत जल्दी इनका मैसेज वगैरह आ जाए आपको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सन बहुत हर्ट है फ्रेंड्स, आपके बिना इनकी तो बिल्कुल क्या कहेंगे, बहुत ही बुरे दिन कट रहे हैं इस पर्सन के। लेट्स क्लैरिफाई, आई थिंक इनको किसी ने और ने भी धोखा दे दिया है फ्रेंड्स, इनको सभी धोखा दे दे के जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ कप्स हो सकता है इन्होंने फैमिली की सुन के आपको छोड़ दिया, रिलीजन कल्चर की वजह से आपको छोड़ दिया, इन्होंने सबकी सुनी है सिवाय दिल की, और इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ्रेंड्स। और अगर इनका कोई हैप्पी वर्ल्ड था, जैसे यू नो एक सुहाना सपना होता है ना, जैसे आई डोंट नो एक वो सेइंग है फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, कैसल्स मेड ऑफ सैंड इवेंचुअली ब्रेक वॉश अवे, यू नो कैसल्स मेड ऑफ सैंड इवेंचुअली वॉश अवे। तो अगर रेत के टीले, अगर रेत के हम महल बनाएंगे तो वो बिखर ही जाते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। ओहो, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं फ्रेंड्स, दोबारा जोर का झटका लगने वाला है इनको, क्योंकि इनको बहुत रिग्रेट है कि उस दिन इन्होंने आपसे वॉक अवे क्यों करा, या अगर आप छोड़ के गए तो ये आपको क्यों जाने दे रहे थे, इन्होंने आपको रोका क्यों नहीं। बहुत हाई वोल्टेज में ये झटका इनको दोबारा से लगेगा फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, लेकिन आपके पर्सन थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और ये मुश्किल वक्त ज़रूरी है उनकी लर्निंग के लिए, क्योंकि वही उनको रियलिटी के करीब लेके आएगा, आपके करीब लेके आएगा। फियर, आई फील आपके पर्सन को डर बहुत है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर के लोग क्या कहेंगे, फियर ऑल्सो कि मैं दिल की सुनूँ तो दिल टूट जाएगा। डिसिप्लिन, आई फील आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को डिसिप्लिन करने की, और जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ना वो चीज़ नहीं करें जो सही है, वो चीज़ करें जो उनके लिए उनको करनी ज़रूरी है। यू नो लाइक इफ़ दे लव यू, इट्स यू नो दे नीड टू बी विद यू, राइट? तो वो करनी ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स, या आई फील डेफिनेटली आपके पर्सन का लक रिलेशनशिप्स में तो बहुत बुरा चल रहा है। हो सकता है उन्हें जॉब की रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ रही हो, यू नो जैसे करियर में बॉस वगैरह नहीं सुन रहे हैं, या इवन अगर आप देखो तो कोई एक्स वगैरह या कोई थर्ड पार्टी थी, तो वहाँ से फैमिली रिलेशनशिप्स भी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की अच्छी नहीं जा रही है। रिलेशनशिप्स ने टेस्ट कर लिया है आपके पार्टनर को। लोनलीनेस, दिस पर्सन इज सीरियसली लोनली फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि वो खुश हैं आपके बिना, बिल्कुल नहीं, और उनको लगता है कि आपका और उनका रिश्ता ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा अगर वो ऑनेस्टली आपको बता पाएँ कि क्या हो रहा है यहाँ। लेट्स सी व्हाट एल्स। लैंटर्न, आई फील आप डेफिनेटली बहुत सपोर्टिंग हो, बहुत इंस्पायर कर रहे हो अपने पर्सन को टू बी द बेस्ट। आई डू फील कि आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं टू यू नो हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, ऐसा लग रहा है आपसे प्यार करना सीख रहे हैं फ्रेंड्स। ईल मैग्नेटिक है बहुत कनेक्शन फ्रेंड्स, इट्स नॉट येट ओवर। वाइट ड्रेस, वेडिंग, आई फील वेडिंग इंपॉर्टेंट है, मैरिज कमिटमेंट फ्यूचर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक ये आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली, ये बात है, कह नहीं पा रहे, तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन में। ओह, ब्लेस्ड नंबर 22। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको ज़रूर इस कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ खुश मिजाजी होगी, हो सकता है ऐसा कुछ करें आपके पर्सन जो आपको बहुत ही खुश हैप्पी फील कराएगा, स्वीट फील कराएगा। 22 इंपॉर्टेंट लग रहा है, नंबर 222 एक्सचेंजिंग गिफ्ट, नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन आपको हो सकता है आने वाले दिनों में कोई गिफ्ट वगैरह दें, या हो सकता है आपका बर्थडे है तो वो आपको बर्थडे के लिए कॉल वगैरह कर रहे हैं, या आप उन्हें करोगे बिकॉज उनका बर्थडे है, या कुछ स्पेशल इवेंट है। हो सकता है आपके पर्सन का बर्थडे आ रहा है लेकिन कॉल वो आपको दे दे एज अ गिफ्ट। व्हाट एल्स, नो प्लेस लाइक होम। सो डेफिनेटली आपके पर्सन हो सकता है आपसे घर मिलने आए, आपको घर पे बुलाएं, या आपके नेबरहुड में आ सकते हैं। ऑल्सो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। येन, या आई फील आपके पर्सन बहुत ही एक स्वीट एनर्जी में होने वाले हैं फ्रेंड्स डेफिनेटली, और रिसेप्टिव एनर्जी में होंगे, ऑल्सो एक गिविंग एनर्जी में होंगे, जहाँ आने वाले दिनों में वो अपनी बातें, दिल की बातें शेयर करना चाहेंगे। ओह वाओ, येन एंड यांग, सी आप दोनों बहुत ही मतलब या तो अपोजिट सन साइंस के हो या ट्विन फ्लेम्स हो, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आपके पर्सन बहुत ही एक स्वीट एनर्जी में जाएंगे,
और आप एक बहुत ही फर्टाइल एनर्जी में जाओगे जो कि बहुत पैशनेट एक लीडिंग एनर्जी है. सो आप दोनों बहुत अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को. वन और टू कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बाद दो आता है कॉम्प्लीमेंट्री. वाओ दिस इज़ अमेजिंग. अपोजिट्स लेकिन बहुत कॉम्प्लीमेंट्री होने वाली है रिलेशनशिप आगे चल के, बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं, स्वीटनेस है, प्यार है, मोहब्बत है, दया है, कृपा है, उनको बढ़ा रहे हैं. और जो आप ऑल्सो वो अपने यू नो एक करेज को बढ़ा रहे हैं, एक स्टेप लेने की तरफ आपकी तरफ बढ़ेंगे. बोल्डनेस है, करेज है, ये सब एक यांग मेल एनर्जीज हैं. यू नो करेज है, बोल्डनेस है, पैशन है, अग्रेशन है, ये सब एक मेल एनर्जीज आप कह सकते हो. तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं अपने दिल का इजहार मोहब्बत भी करेंगे और आपकी तरफ कोई मूवमेंट भी शो करेंगे. तो इस केस में अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? स्टिलनेस. जी हाँ, आपको फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स इस कनेक्शन को लेकर, सिवाय इसके कि आप मेडिटेशन कीजिए या अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए. आप क्या फील कर रहे हो उस पे फोकस करो. लव, यस, फोकस ऑन द लव, फोकस ऑन द गुड टाइम्स. और क्या आप चाहते हो फ्यूचर में हो इस कनेक्शन के, उस पे फोकस करो. चेंज, यस, आई ऑल्सो फील आप भी चेंज हो रहे हो फ्रेंड्स, आपके पर्सन भी चेंज हो रहे हैं. आपको अगर लगता है आप बिल्कुल नहीं बदले हो तो ऐसा नहीं है, आप भी बदल रहे हो, आपके पर्सन भी बदल रहे हैं और आपकी कनेक्शन में सक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स. जैसा कि आपने आपके पर्सन कह रहे थे, थोड़ा सा सब्र कर लो. आई नीड वेट फॉर मी. सो या वेट फॉर मी, आई कीप हियरिंग दैट वेट फॉर मी. ओके, सो लेट्स सी क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए. वाओ, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न. सो फ्रेंड्स, आपने जो भी मेहनत की है प्यार में, रिश्तों में, वो ज़रूर पे ऑफ होगी, या तो इस कनेक्शन के साथ या आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं. सरेंडर टू द डिवाइन. या हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कि लव लाइफ का क्या होगा. फ्रेंड्स डोंट वरी. अगर आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स के मतलब सभी की लव लाइफ इतनी ऑफ क्यों चल रही है. फ्रेंड्स ऐसा नहीं है. द प्रॉब्लम इज़ द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ कार्मिक साइकिल, और जब वो साइकिल्स ख़त्म होगी तो काफ़ी सारी या शिफ्ट होंगी. हम सब पूरे लोग जो अर्थ पे हैं, तब जाके कुछ चीज़ें चेंज होंगी. आपको नोटिस होगा कि या थिंग्स आर चेंजिंग. हो सकता है उस टाइम आपके पार्टनर भी डिफरेंट हो, आप भी डिफरेंट हो, मतलब फील आपकी समझ डिफरेंट होगी आपके पर्सन की भी. सो एक कार्मिक एनर्जी चल रही है फ्रेंड्स. जब वो ख़त्म होगी एक शिफ्ट आएगा तभी तो. इसलिए सरेंडर टू द डिवाइन, लेट इट गो फॉर, मतलब आउट ऑफ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल. ईगो से बाहर आना ज़रूरी है अभी. शो द वर्ल्ड द रियल यू. यस, इट्स टाइम टू बी हु यू आर. आप अपने आप को मत बदलिए किसी और के लिए. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अगर ये न्यू पर्सन है तो इट मे बी अ गुड आइडिया टू कि आप फर्स्ट हिंट दे दो अपने पर्सन को, क्योंकि मुझे लग रहा है उनको थोड़ा वो आपको वेट करा रहे हैं आगे से खुद एक्शन लेने के लिए. सो एनीथिंग एल्स? ओके, सो टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन. या आई फील डेफिनेटली वक्त आ गया है कि इस सिचुएशन से आप थोड़ा सा दूरी बनाएं. या यू नो मे बी अगर आप दोनों के बीच यू नो इट्स टाइम, कभी कभी मे बी इट्स टाइम फॉर नाउ कि आप और चीज़ों पे फोकस करें. टारगेट, यस, आप गोल ओरिएंटेड, अपने फोकस अपना फ्यूचर पे रखिए. आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. फेब्रुअरी बॉर्न पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जो नेक्स्ट फेब्रुअरी है जब तक चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी या डेवलप हो जाएंगी इस कनेक्शन में. करियर, मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो आप भी वही कीजिए फ्रेंड्स. राइट नाउ अपने करियर पे, सेल्फ पे फोकस कीजिए. लव, जी हाँ, प्यार मिलेगा आपको जल्दी. कर्मा, व्हाट यू विल सो यू विल रीप. सो डेफिनेटली कार्मिक एनर्जीज हैं यहाँ पे फ्रेंड्स. आपके पर्सन हो सकता है किसी कार्मिक इशू की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे. डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स. येस, आई फील आप जो अपने लिए बेस्ट है वो करते रहिए. हो सकता है इट मे नॉट मेक सेंस टू यू कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा राइट नाउ, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप करें. फोर्सेज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. आई फील मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और हो सकता है वो आपसे दूरियाँ इसलिए बना रहे हों क्योंकि वो आपको नहीं परेशान करना चाहते जो तनाव उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनसे.
फायर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, या आई डेफिनेटली फील इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके और आपके पर्सन के, और आगे बढ़ेंगे ही. अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कनेक्ट करने की, बात करने की, मिलने की. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अभी भी थोड़े से कन्फ्यूज हैं इस कनेक्शन को, कन्फ्यूज इन द सेंस कि कैसे बढ़ाया जाए इस कनेक्शन को आगे, या कैसे वापस आया जाए आपकी लाइफ में. फैमिली विशेज, येस आई फील डेफिनेटली आपकी फैमिली विशेज ज़रूर पूरी होने वाली हैं. जी हाँ, मेरा गला अभी भी थोड़ा सा तो ख़राब है ही, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से भी. येस सो येस एनीवेज सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए फ्रेंड्स विजिट आवर वेबसाइट. अभी के लिए मिस्टेक्स ही सेइंग बाय बाय.